अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने जिले के संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को भाजपा के एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में अनगिनत संविदा कर्मचारियों की भर्ती हुई है और ये सभी भाजपा नेताओं की दलाली करते हैं, जिससे अब कांग्रेस सरकार की गोपनीयता भंग हो रही। विधायक के मुताबिक इन संविदा कर्मियों ने चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी। बृहस्पत सिंह ने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने लिखित रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। भाजपा के एजेंट बतौर संविदा कर्मचारी अधिकारी हैं और वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और आज भी कलेक्टर अगर कोई साइन करता है, जिला पंचायत सीईओ साइन करता है, तो उसकी व्हाट्सएप पे खींच के भाजपा के नेताओं को भेजा जाता है। ये लगातार चल रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिख के दिया है कि ये कर्मचारी अधिकारी आपके भाजपा के एजेंट की तरह संविदा में नियुक्त हैं और ये काम कर रहे हैं, इनको तत्काल हटाइए ताकि जनता की भावनाओं के अनुरूप, सरकार के मनसा के अनुरूप जनता को मदद मिल सके।